नोट पढ़ें, नोट नोट लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनके आंसर्स यहीं जो स्पेस गिवन होगी वहीं पर लिखने हैं। सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1, ए स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन द फिगर। जैसा कि यहाँ फिगर में नज़र आ रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। कहते हैं कि राइट नेम्स ऑफ द पार्ट्स मैंशनड, जो पार्ट्स यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के सिक्रू गेज के मैंशनड हैं इनके नाम लिखें, यानी कि ए का क्या नाम है, बी पार्ट का क्या नाम है, सी का, डी का, ई, एफ एंड जी, इन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ इस साइड पर हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी ये लिख दिए हैं कि ये पार्ट्स हैं, और इनके जो नाम हैं वो सामने ग्रीन कलर में लिख दिए हैं। ए स्टड है और बी स्क्रू है, सी हमारे पास मेन स्केल या पिच स्केल है, और डी थिम्बल है, और ई हमारे पास बेसिकली फ्रेम है, ई इज़ द फ्रेम, और एफ इज़ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, और जी इज़ द रेचट, ठीक है, रेचट। तो ये इनके आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट चलें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर्स एंड कैलकुलेट द एरर। किस टाइप का एरर है इन फिगर्स में आपको नज़र आ रहा, और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू भी बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर फिगर ए में देखें तो इसमें ज़ीरो अप्रोच नहीं कर पा रहा इंडेक्स लाइन को, यानी कि मेन स्केल लाइन को अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि फिगर ए में हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो पहले जो टाइप हमने बता दी, दूसरे में देखें तो ज़ीरो क्रॉस कर चुका है, ठीक है, ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है, तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अब हमने अगर कैलकुलेट करना है कि किस तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना है, तो हम ये देखेंगे फिगर ए में हम देखेंगे कि कितनी लाइंस नीचे है, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स लाइन से नीचे कितनी लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। तो वो बेसिकली 1, 2 एंड 3, ज़ीरो के ऊपर एक लाइन, फिर दूसरी और तीसरी इंडेक्स लाइन के साथ, तो तीन लाइंस हैं बेसिकली जो ज़ीरो, अब तीन लाइंस दूर है, तो हम वो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो 0.03 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। लीस्ट काउंट हमें मालूम है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर होता है। इसी तरह जब हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इस सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ़ डिविजन्स 50 हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डिविजन्स 50 हैं, तो 50 में से हम वो डिविजन्स माइनस कर देंगे जो क्रॉस कर चुके हैं। तो कितने डिविजन्स क्रॉस कर चुके हैं, ज़ीरो से नीचे चलें, एक, फिर दो और तीसरा इंडेक्स लाइन के साथ, तो तीन डिवीजन्स ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि वो इसको क्रॉस कर चुके हैं। 3 हम 50 माइनस, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 3 डायरेक्ट लिख के लिस्ट काउंट लिख दें, या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 50 में से आप वो लाइन देखें जो कंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन को, तो 45 के ऊपर 46 और फिर 47, तो 50 माइनस 47 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 50 माइनस 47 करेंगे तो 3 ही बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 0.01 लीस्ट काउंट है, तो 0.03 मिलीमीटर। तो पॉजिटिव जीरो एरर भी इतना ही है ऊपर वाली फिगर ए में, और नीचे फिगर बी में नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू भी उतनी ही है, लेकिन कैलकुलेट करने के मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्फेरोमीटर। इस फेरोमीटर आपको अपरेटस नज़र आ रहा है, कहते हैं कि आप इस अपरेटस के अकॉर्डिंग आप आंसर्स दें। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया होगा वो बेसिकली ब्लैंक स्पेस होगी, यहाँ बेसिकली आपको टेबल बना नज़र आ रहा है, इसमें पहले में संगीता लिखा हुआ है, संगीता है ये, संगीता नहीं है, ठीक है, संगीता एस, ये अभी आपको पता चलेगा कि संगीता क्या चीज़ है, आगे बताएंगे। और एन जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ द स्फेरोमीटर हैं, और आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है, ठीक है, आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। सेगीता दिए हुए दिया हुआ है 0.006 मीटर,
नंबर ऑफ़ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्फेरोमीटर 20 हैं, रेडियस मालूम करना हो तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है तो फार्मूला याद रखें कि सैगीता डिवाइडेड बाई 2 × (n-1), ठीक है, ये 2 × (n-1) डिवाइड में ही है इसलिए ब्रैकेट में क्लोज्ड है। तो आप सिंपल ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन ये फार्मूला आपको खुद याद रखना होगा, ये गिवन नहीं होगा, ठीक है। पास उगाते ऐसे भी होता है कि आपको रेडियस दे दें, ठीक है, और एन दे दें और आपको कहें कि सगीता मालूम करें, तो फिर जाहिर बात है इसी फार्मूले को आप थोड़ा चेंज करेंगे और सगीता एक साइड पर अलग रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डाटा थोड़ा इस तरह वेरी कर सकता है, लेकिन आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूला नहीं गिवन होगा। अच्छा जी, तो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि रेडियस एक भी किस्म का डिस्टेंस ही है तो इसका ऐसे यूनिट मीटर ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज सैगीता, व्हाट इज सैगीता, सैगीता क्या है बेसिकली, इट इज़ द हाइट और डेप्थ ऑफ द कन्वेक्स और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस उसकी जो डेप्थ होती है ना, उसके सेंटर से जो देखते हैं उसको हम सैगीता या इन शॉर्ट सैग भी कह सकते हैं, जैसा कि आपको ये ऊपर फिगर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द लेंस, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, इसको हम कहते हैं सैगीता या सैग, ओके। तो ये फिगर से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें, फोर रोटेशंस कवर डिस्टेंस ऑफ 4 मिलीमीटर, फाइंड पिच। पिच मालूम करें स्फेरोमीटर में जब नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हैं, 4, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 4 मिलीमीटर। तो इसमें पिच मालूम करने का फार्मूला आप याद रखें, ये जो भी चीज़ें ग्रीन कलर में लिखी हुई हैं, जो भी मटेरियल ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आंसर्स हैं, तो आपने ये फार्मूलाज वगैरह भी खुद याद रखने होंगे, ठीक है। तो पिच का फार्मूला है डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस। तो डिस्टेंस मूव्ड कितना है, 4 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी बताई हैं यहाँ पर, 4। तो 4 मिलीमीटर बाई 4, 1 मिलीमीटर पिच आ जाएगी, ठीक। उसके बाद थर्ड है, राइट फार्मूला टू फाइंड लिस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का लिस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला बताएं। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये हमारे पास फार्मूला है, बेसिकली ये वो फार्मूला तो देखने में वैसा ही लग रहा है जैसा आपने सिकुरी गेज के लिस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पिच मालूम करने में थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन फार्मूला आप याद रखें कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। फोर्थ इज, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ स्फेरोमीटर। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं या किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप याद करें तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि आप उसमें उसके परफॉर्म करने का मकसद क्या है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक्सपेरिमेंट में से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, बनता है, ठीक है। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस और लेंस। यानी कि लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यही इसका एम है, यही इसका यूज़ है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आपने ऊपर पढ़ लिया है। तो आज का ये एक्सपेरिमेंट एंड हुआ, मज़ीद बाकी एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस भी पहले भी अपलोड की जा चुकी हैं, मज़ीद भी अपलोड होती रहेंगी, तो आप उनको साथ साथ देखते जाएं।